सिलाई मशीन आप दो तरह से चला सकते हैं, बिजली से चला सकते हैं और डबल ए बैटरी से भी चला सकते हैं। बिजली से चलाने के लिए अडैप्टर का उपयोग करें, जो कि मशीन के साथ दिया गया है। अडैप्टर को 2-पिन सॉकेट में लगाएं और दूसरा छोर मशीन में दिए गए स्थान पर लगाएं। मशीन को फुट पैडल के द्वारा भी चला सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि फुट पैडल का एक छोर दिए गए जगह पर लगाएं और दूसरे छोर को दबाने से मशीन शुरू हो जाती है। अब हम आपको मशीन के विभिन्न अंग और उनकी उपयोगिता के बारे में जानकारी देंगे। निचला पहला बटन स्पीड को कंट्रोल करने के लिए है। बीच वाले बटन के सहयोग से आप मशीन को ऑन या ऑफ कर सकते हैं और ऊपर वाले बटन का उपयोग रोशनी के लिए कर सकते हैं, जिससे कि आप आसानी से कम रोशनी के स्थान पर भी बिना रुकावट काम कर सकते हैं। सिलाई मशीन में ही धागा कट करने की सुविधा दी गई है। आगे के इस अंग को फैब्रिक होल्डर कहा जाता है, जो कि कपड़े को आगे सरकाने में मदद करता है। अब हम आपको धागा पिरोने के विभिन्न अंगों के बारे में बताते हैं। पहला स्प्रिंग बॉबिन होल्डर, दूसरा तार का लूप, तीसरा टेंशन स्प्रिंग, चौथा तार का लूप, पांचवा टेकअप लिवर, छठा तार का लूप और उसके बाद नीडल क्लैंप और आखिर में सुई। अगला अंग है बॉबिन वाइंडर। अब हम उसकी जानकारी देते हैं। अगर बॉबिन का धागा खत्म हो जाता है तो इस अंग के द्वारा बॉबिन में धागा भरा जाता है। आइए मशीन में धागा पिरोने की प्रक्रिया देखते हैं। पहले स्प्रिंग बॉबिन होल्डर में लगाए गए तरीके से रखें, यानी कि पहले स्प्रिंग, फिर बॉबिन और आखिर में लॉक करें। धागे को ऊपर की तरफ से पहले लूप में पिरोएं, फिर टेंशन स्प्रिंग से गुजरते हुए अगले तार के लूप में डालें। ध्यान रहे, टेंशन स्प्रिंग से गुजरते वक्त आपको धागा टेंशन स्प्रिंग के ऊपर की दो प्लेट के बीच से ले जाना है, यानी कि टेंशन स्प्रिंग को लपेटना नहीं है या वाइंडिंग नहीं करनी है। उसके बाद अगले तार के लूप में पिरोएं, आगे बढ़ते हुए टेकअप लिवर से धागा पिरोएं। ध्यान रखें, दिखाए गई प्रक्रिया को आराम से करें। अब हम आगे बढ़ेंगे। टेकअप लिवर के बाद दिखाए गए अगले तार के लूप से धागा पिरोएं। अब नीडल क्लैंप के छेद से धागे को नीडल के छेद में डालना है। तो अब आपको ध्यान देना है कि नीडल के छेद में धागा बाईं ओर से दाईं ओर में पिरोना है, जैसा कि आप देख रहे हैं। अब हम बॉबिन की प्रक्रिया की तरफ बढ़ेंगे। मशीन के साथ दी गई बॉबिन लीजिए और उसे दिए गए तरीके से बॉबिन कंपार्टमेंट में रखें। ध्यान रखें, बॉबिन से आने वाले धागे को मशीन की बॉडी में दिए गए खांचे से बाहर निकालना है। धागा खींच कर देखें कि आपकी बॉबिन क्लॉकवाइज अथवा घड़ी की दिशा में घूम रही है क्या। उसके बाद बॉबिन कंपार्टमेंट का कैप लगाकर उसे बंद कर दें। धागा खींच कर यह सुनिश्चित करें कि आपकी बॉबिन सही तरीके से लगी है। और अब हम महत्वपूर्ण क्रिया की ओर बढ़ेंगे, जो कि है बॉबिन का धागा नीडल के धागे के साथ ऊपर लाना है। ध्यान दें और दिखाई गई प्रक्रिया को आप पहले ध्यान से देखें और उसके बाद ही उसे करें। अब आप समझ लें कि हमने यह काला धागा नीडल के लिए इस्तेमाल किया है और सफेद धागा बॉबिन के लिए। अब आपको वीडियो में दिखाए गए तरीके से काले धागे के छोर को अपने हाथ में पकड़ना है और दूसरे हाथ से हैंड व्हील धीरे धीरे अपनी तरफ घुमानी है। एक चीज का ध्यान रखें कि आपको हैंड व्हील को लगातार और तेजी से नहीं घुमाना है, ताकि वो नीडल को नीचे की ओर ले जाए। ध्यान रखना है कि नीडल नीचे की तरफ सिर्फ एक बार जानी चाहिए, जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। जैसे जैसे नीडल नीचे नीचे जाए, वैसे ही आपको हैंड व्हील घुमाते रहना है। जब नीडल अपनी पुरानी जगह, मतलब जहां से वो नीचे गई थी, उस जगह वापस आ जाए, तब आप हैंड व्हील घुमाना बंद कर दें। दूसरे हाथ में जो काला धागा पकड़ के रखा था, उसे आप ऊपर की ओर कर लें, जैसा कि वीडियो में दिखाया गया है। जैसे ही आप उसे ऊपर की ओर करेंगे, वैसे ही नीचे से सफेद धागा ऊपर आएगा। हम फिर से यह बता रहे हैं कि आपने हैंड व्हील अपनी तरफ घुमाया था और अब आप दोनों धागों को बाहर निकालें और पेडल फुट के बीच से पीछे की तरफ ले जाएं। उसके बाद जरूरत के अनुसार धागा खींच लें
और दिखाए गए तरीके से उसे काट लें। और अब आपकी मशीन सिलाई करने के लिए तैयार है। और अब आप अपने कपड़े को सिलाई के लिए आगे से पीछे की ओर रख सकते हैं। कपड़ा रखने के बाद आप टेकअप लिवर को नीचे कर दें, जो कि पेडर फुट से कपड़े को पकड़ लेगा। और अब आप ऑन का बटन दबाकर मशीन को शुरू कर सकते हैं। और आप अपनी मशीन फुट पेडल की सहायता से भी शुरू कर सकते हैं। ध्यान रखें, सिलाई करते समय आपको अपने कपड़े को धीरे से आगे की ओर खींचते रहना है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपका कपड़ा और धागा अटक सकता है और आपकी मशीन जाम हो सकती है। अगर कपड़ों पे सिलाई नहीं आती है तो उसके दो कारण हो सकते हैं। पहला, नीडल का इशू, और दूसरा, गियर का टाइमिंग मिसमैच। अगर आपकी नीडल सही तरीके से नहीं लगी है तो आपके कपड़े पर सिलाई नहीं आ सकती। ध्यान रखें और नीडल को सही तरीके से लगाएं। अगर आप सिलाई मशीन को बिना कपड़े के चलाते रहेंगे तो आपकी सिलाई मशीन जाम हो सकती है। तो ध्यान रखें, कभी भी मशीन को एम्प्टी या बिना कपड़े के ना चलाएं।